لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم बाहर इंटरव्यू दिया बाहर
और इंटरव्यू के लिए मेन तवज्जो करता है, वो खास बातें हैं जो सामने की हैं। तो लोग आने में अपने हिसाब से लोग आते, तो मैं भी अपने हिसाब से पढ़ूंगा। एक सलवार पढ़े मोहम्मद राज मोहम्मद इंसान का बनता जाता है। क्या मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कैसा एग्जाम दिया है, किस तरीके से पूछा गया, क्या क्या सवाल आ। शर्त यह है कि वो सिलेक्शन कमेटी भी ईमानदार बैठी हो। तो सिलेक्शन के लिए जितने उम्मीदवार होते हैं तो उनको अच्छे से खबर होती है, मुझसे जो क्वेश्चंस किए गए मैंने उनके कैसे कैसे आंसर किए, उनसे पूछ के देखे। हाँ भाई अल्लाह अल्लाह मदद कर दे। क्यों तो कुछ सवाल थे, कुछ के जवाब दिए, कुछ के नहीं दिए। जो जवाब दिए भी उनमें कुछ सही है कुछ नहीं है। अच्छा बहुत से उनमें ऐसे भी होते हैं कि जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है उनको बुलाया जाता है तो वो पहुंच तो जाते हैं, तवज्जो कीजिएगा, पहुंच तो जाते हैं और जाने के बाद इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन जब सवाल होते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते हैं आप नहीं जाते। ऐसा कोई मिला ही मानता, कोई बंदा ऐसा मिला है कि जो इंटरव्यू देने के लिए गया इधर उससे सवाल हुए और पलट के फौरन कहते नहीं साहब मैं नहीं, मिला कोई उल्टा सीधा कुछ न कुछ जवाब में बोल रही है। पूरी कायनात में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सिलेक्शन होना था, अल्लाह ने सिलेक्शन कमेटी बिठाने की बात नहीं की, साहब मैं खुद ही सिलेक्शन करूंगा। अल्लाह ने तो डायरेक्ट अनाउंसमेंट कर दिया था बस इस बंदे को इस ओहदे पर रखना है, लेकिन अल्लाह के लातादाद मलाइका ने खड़े होकर के ऑब्जेक्शन कर दिया, परवरदिगार इसको बना रहा है, ये तो हुरेदी बर्बाद करेगा, जमीन को खून से लाल कर देगा, और हम तेरी तस्बीह तकदीस करने वाले, हम तेरी इबादत करने वाले, हम तेरी रियादत करने वाले, हम तेरे लिए इबादतें करने वाले, हमें छोड़ के हिस्से हम हैं तो क्या तेरी नजर इंतखाब हम पे नहीं पड़ी। हमारे यहाँ के लोग तो कहते हैं कि तेरी करीब की नजर कमजोर है, दूर वाले दिखाई दे रहे हम नहीं दिख रहा है, लेकिन वो नहीं कह सकते क्या परवरदिगार हम नहीं कहा, तो ठीक है अब सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन ही से दबा से होगा, पहले एजुकेशन देंगे, इल्म देंगे, तालीम देंगे, या तालीम से हरासा हो जाओगे फिर हम सवाल करेंगे, सवाल का जो जवाब दे देगा उसको गलीबा बना देंगे। इल्म बुनियाद में रख दिया, और जैसे बुनियाद में रखा तवज्जो फरमाइएगा, जैसे बुनियाद में रखा तो उसमें बहुत अहम काम पढ़ा दिया, कुरान उठा करके देख लिया, अस्मा अकुल्लहा हमने कुल अस्मा की तालीम दे दी आदम को। अब अगर अल्लाह अकेले आदम को पढ़ा रहा है और मलाइका को ना पढ़ाए और फिर उनसे सवाल करे तो ना इंसाफी है, तो उसको तो पढ़ाया ही नहीं, इसका मतलब अल्लाह ने सबको बताया, जब बता दिया तो अब सवाल किया। बताओ कमाल देखिए, सवाल जितना किया है वो देखिएगा, सवाल सिर्फ इतना किया कि ये अदवार है नाम बता दो, इनके नाम बता दो। पहला मौका दिया मलाइका को आदम को नहीं, तुम बताओ है तुम पाको पाकी जाता है या बोलता है, कहो ना नमाजे तुम्हारे पास हैं, सारे सज्जे तुम्हारे पास हैं, इसने तो कोई सज्जा ही नहीं किया, अभी कोई नमाज नहीं, अभी कोई सज्दा नहीं, कोई तशहुद नहीं, कोई सलाम नहीं, कोई तस्बीह नहीं, चलो बताओ। इल्म दोनों को मिल गया, और जब दोनों को इल्म मिल गया, अब इनसे पूछा गया बताओ इनके नाम, मलाइका ने फौरन अपने आप को सरेंडर कर दिया कि हम नहीं जानते, पहली बार सिलेक्शन हो रहा है, मलाइका ने इनकार कर दिया, मासूम थे इसलिए कन्वेंसी नहीं की, अपनी तरफ से जवाब नहीं दिए, फौरन क्या कहा, सुभान अल्लाह इल्म लना इल्ला मा अल्लमता, परवरदिगार तेरी पास आता को पाकी था तो मैं उतना जानते जितना तूने बताया, अब इन्हें अलग अलग करके बता दे, हमारे बस की बात नहीं है, इनमें तफरीक करना, इनमें जुदा करना, इनके अलग अलग नाम बताना, ये हम नहीं जानते। फिर अब अल्लाह ने हुक्म दिया आदम को, यादम अम्बी हम
अस्माएहिम, ए आदम अदरा इनके नाम तो बता। तारीख ने सब छुपा के रख दिया, कौन से नाम थे जिनके पूछे जा रहे थे, कौन थे वो जिनके नाम पूछे जा रहे थे, सारी तारीख खामोश रही। मगर कुछ तारीख में ऐसे मोरदीन भी थे जिन्होंने अदब को मरबूज खातिर रखा, शराफत को मरबूज खातिर रखा। लफ्ज बदल दूं, उन्होंने अमानत में खयानत नहीं की बल्कि बाकायदा बताया हमारी माँ भी सही है, हमारा बाबा भी सही है, और नाम गिनाने शुरू किए। परवरदिगार आदम ने कहा, परवरदिगार ये मोहम्मद तू महमूद, ये आला तू अली, ये फातिमा तू फातिरुस समावाति वल अर्ध, ये हसन तू मोहसिन, ये हुसैन तू कदीमुल एहसान। बस पंजतन के नाम बताए अल्लाह ने खिलाफत दे दी। तवज्जो फरमाई आपने, जैसे पंजतन के नाम बताए अल्लाह ने फौरन खिलाफत दे दी। मलाइका तो भरे बैठे हैं बहुत दिनों के, आदम भाई खिलाफत मिलने वाली थी मलाइका, खाली नाम बता देते मिल जाती। जमीन में खलीफा कौन होते, मलाइका, आदम नहीं। जैसे नाम बता दिए तो खिलाफत किसकी, आदम की। आदम को खिलाफत मिल गई तो कब के पछताए बैठे मलाइका, कब के भरे बैठे हैं। आदम के मौके में हमें मिलती मगर रह गई, इंतजार करते करते वो घड़ी आ गई कि जैसे इन सबको एक जगह देखा, परवरदिगार ने कहना शुरू किया आसमान में जमीन चांद सूर्य सितारे सियारे हवाएं फिताएं फैलाई, ये सब कुछ मैंने इनके सदके बनाई है चादर के नीचे। मलाइका ने फौरन का परवरदिगार बताओ तो सही चादर के नीचे कौन कौन, कल अल्लाह ने पूछा तो बताओ तो सही है कौन कौन। आज मलाइका ने कहा परवरदिगार आज हमें मौका मिला, तू बताओ चादर के नीचे कौन कौन है। अल्लाह ने कहना शुरू किया तुम फातिमा हो, वाबूहा वबालोहा वबनोहा, कल तूने बताया थे आदम, मलाइका तुम सुन रहे थे, आज अल्लाह बता रहा है, फिर मलाइका तुम सुन लो, कल भी वहां पांच थे, आज यहाँ चादर के नीचे पांच आ गए हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये पांच चादर के नीचे आए ना, इनकी मरकजियत लेके बैठी शहजादी, इसके पास है मरकजियत। मरकजियत समझते हैं आप, छोटी सी बात बहुत, क्या है पूरी कायनात की मरकजियत खाने काबा के पास, किसके पास है, सेंटर में, पूरी जमीन के सेंटर में खाने काबा, तो मरकज में कौन है खाने काबा, तवज्जो फरमाइएगा। और चादर तकदीर के अंदर मरकजियत में कौन है, शहजादी फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा, ये सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खुदा चादर में आ गए, हसनैन चादर में आ गए, कायनात के मौला चादर में आ गए, मगर आयत नहीं आई। आयत इंतजार करेगी, तुम सब तो आगे भी मरकज रह रहा। जैसे बीवी पहुंची फौरन आयत आ गई, अब किसी और की जगह नहीं, आयत आ गई, ये पांच लोग एक जगह हैं। आज हम लोग फर्श अदा पर बैठे हैं पंजतन के तुफैल से, फर्श अदा नहीं है ये, फर्श अजा ना, ये फर्श अजा नहीं है, ये फर्श अजा हम इसे समझ रहे हैं कि हम लोग सब नीचे बैठे ना, ये बहुत बुलंद मकाम है, ये वो जगह है जहां मुस्तफा बैठे, ये वो जगह है जहां शहजादी बैठी, जहां कायनात का मौला बैठा है। हम शियाने हैदर करा कितने आला मकाम वाले हैं कि जब हम फर्श अजा पर बैठते हैं तो कायनात के बुलंद तरीन अफराद के साथ बैठते हैं, इतना बड़ा मकाम है फर्श अदा। कायनात में भैया इन पांच से बुलंद कोई नहीं है, इन पांच के साथ मिल के जब बैठे तो हम शियाने हैदर करार का मर्तबा है कि अल्लाह ने जिन्हें सबसे आला बनाया उनके साथ हम सबको बैठा दिया, यह है फर्श अदा। इंसान से हर बंदा यह चाहता है बड़े बुलंद रूप के पहुंचे, आला तरीन मंजिल पर मैं पहुंच जाऊं, लेकिन कोई पहुंच सकता है,
आला तरीन रुतबा मुस्तफा के पास है, आला तरीन रुतबा मुर्तजा के पास है, आला तरीन रुतबा शहजादों के पास है, आला तरीन रुतबा शहजादी के पास है, और हम सब फर्श अदा पर बैठने के बाद उन्हीं आला तरीन के साथ बैठे हैं। अब सोचिए हमारा रुतबा क्या है, हमारा रुतबा कितना अफजल। हमने शियत को नहीं पहचाना, अगर हमने शियत को पहचान लिया होता तो ये हो ही नहीं सकता कि फर्श अदा बिछी रह जाए और हमारे कदम वहां न पहुंचे, ना मुमकिन। फर्श अदा शिफा का जरिया, फर्श अदा दुआ का जरिया, फर्श अदा रोजगार का जरिया, फर्श अदा बीनाई का जरिया, फर्श अदा कुव्वत का जरिया, फर्श अदा ताकत का जरिया, फर्श अदा हिम्मत का जरिया, फर्श अदा रुतबों को आला करने का जरिया, फर्श अदा अपने मिजाज को आला तरीन करने का सलीका और तरीका, वो फर्श अदा हमारे पास है। पूरी कायनात में किसी के पास नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना असर ये हम कि हमारे पास ये फर्श अदा है। हम अहले बैत के चाहने वाले हैं कि हमारे पास ये फर्श अदा है, किसी और के पास नहीं। ये मुहिब्बान हैदर करार को ये रुतबा मिला, ये मर्तबा मिला, इस फर्श अदा की अजमत को समझ। तो जहां सब एक साथ आ गए हों, इसीलिए कहा जाता है, हमारे कई असातीज ने कहा, कई असातीज कि जो दुआ कहीं कबूल ना हो फर्श अदा पर बैठना, फर्श अदा पर मांगना, इसलिए कि जो अदा करने वाले होते हैं वो सब फर्श अदा का होते हैं। बिल्कुल पता नहीं किसके बराबर में कौन बैठा, उस वक्त में मांगो मिलेगा। क्यों फर्श अदा पे आकर के हमने तो अपना हक अदा कर दिया, शहजादी हम आपके लाल का पुरसा देने आ गए, रसूल खुदा आपके नवासे के लिए हम आ गए, ऐ मौला कायनात आपके बेटे के लिए हम आ गए, ऐ इमाम हुसैन खुदा हम आपके लाल आपके भाई के लिए आ गए हैं, हमारी भी कुछ हाजतें हैं, आपके लिए हम आए हैं, हमारी हाजतों को आप भर लाइएगा। अब जो दिल चाहे फर्श अदा पर बैठ के मांग, क्यों मुसल्ले पर दुआएं कबूल होती है, कसम खुदा के लतीफ बात करना चाहते हैं, मुसल्ले पर बैठ करके नमाजें पढ़ करके दुआएं कबूल होती हैं, सब मानते हैं इस बात को कि सारी दुआएं कबूल होती हैं ना मुसल्ले पर, तो मुसल्ले पर दुआएं कबूल होती हैं, उन दुआओं को ले जाने वाले हैं मलाइका, और मलाइका की हद है सिदरतुल मुंतहा, इससे आगे नहीं जा सकते, और सिदरतुल मुंतहा से आगे कदम बढ़ाया था रसूल खुदा ने और उधर से हाथ बढ़ाया था मौलाए कायनात ने, इसका मतलब यह कि अहले बैत वो है जो सिदरतुल मुंतहा से आगे जा सकते हैं और बाबे इजाबत सिदरतुल मुंतहा से आगे है, पहले नहीं। फर्श अदा पर मलाइका हमारी दुआएं लेके नहीं जाते, शहजादी लेके जाती है, कायनात का मौला लेके जाता है, इमाम हसन लेके जाते हैं, अहले बैत कुल लेके जाते हैं। अब इंसाफ से बताओ मलाइका अफजल है या अहले बैत अफजल है? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जिंदाबाद। तवज्जो फरमाइए, फर्श अदा से कौन लेके जा रहा है? शहजादी, अहले बैत, मासूमीन। तो बताओ कहां कहां दुआएं, मुसल्ले पर तो इसलिए कहा कि दिन में कम से कम पांच बार आओगे वहां मांग लो, फर्श अदा की अस्मत बुलंद है, फर्श अदा आला है, फर्श अदा अफजल है। और अजीजो जब ये पांच एक साथ हमारे पास हो कम से कम, है तो बकिया सब भी, तवज्जो फरमाइएगा, शायद कोई बात कह ले जाऊं और दुआ दे दीजिएगा अगर आप तक बात पहुंच जाए। कौन है ये? इनमें सब अफराद यही फर्श अदा पर जो दिल चाहे मांग लीजिए, इसलिए कि इनमें से एक वो है, एक एक वो है कि अगर गदा को अदा कर दे तो बादशाह बन जाए, और हम फर्श अदा पर बैठे जब हम मांगेंगे तो सबसे मांगेंगे, और अगर ये सब देने पे आगे बताओ हम किस मकाम पर पहुंचेंगे।
रुतबा कितना आला हो जाएगा, हम कितने अफसर होंगे। ये तो मुश्किलों में सबको अता करते, इनमें से एक ही गरीब को बादशाह बना देता है। इसीलिए मोहसिन नकद ने चार मिसरे कहे, नफस नफस जो अकीदत में ढल गया होगा, मोहसिन नकवी, नफस नफस जो अकीदत में ढल गया होगा, तुम्हारा खौफ सुख में बदल गया होगा। अब कुएं में गिर के निकलना महान था यूसुफ, अली का नाम जबान से निकल गया होगा। मांगने वाला हो तो ये अता करते हैं, इसे लेने वाला हो इससे मांगे कोई तो इनके यहाँ आता में कोई कमी नहीं है। एक सलावत पढ़े जरा सा करीब आ जाएंगे। सलावत ऐसी पढ़े कि मुझे लगे जब आता करने पे आ जाए तो फिर अच्छा छूटा भेज चो बोले मास पे ले जो भाई मास पे छूटा भेजो आप क्या अपना बच्चा ब्लड पत्र
करूंगा, अब होगा ना अफसोस। पसीना इतना ज्यादा गिरा तब अफसोस नहीं, ब्लड हाथ में से बहने लगा या पैर से बहने लगा, आप सबको तकलीफ बलाना के चोट लगे, जनाब के चोट लगे, है ना? क्यों? वजह, रीजन, सबब, तो उसकी वजह है कि जब पसीना बहा था तो उसकी वजह से मौलाना के जिंदगी को, मौलाना की हयात को कोई खतरा नहीं था। तवज्जो फरमाइए, खतरा था का नहीं, लेकिन जैसे ही ब्लड बहा और अगर ज्यादा बहने लगा तो आप ब्लड अगर बह गया तो जिंदगी को खतरा है। तो इसलिए सबको अफसोस है या नहीं है? है ना अफसोस? लोग सवाल करते हैं आकर के अहले बैत अफजल हैं कि अंबिया अफजल हैं, है ना? अब अंबिया क्या है और अहले बैत क्या है? मुस्तफा की पेशानी पर उभरे हुए पसीना, वो जो कतरात गिरे, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तेरे इन कतरों को मैं जाय नहीं जाने दूंगा, इन कतरों को गिरने तो दे। एक गिरेगा आदम बनाऊंगा, दूसरा गिरेगा नूह बनाऊंगा, शीश बनाऊंगा, याहिया बनाऊंगा, जकरिया बनाऊंगा, युब बनाऊंगा, याकूब बनाऊंगा, मैं एक एक को नबी बनाता चला जाऊंगा। तो आदम कौन है? खतरा पसीने का। नूह कौन है? खतरा पसीने का। याहिया कौन है? खतरा पसीने का। है या नहीं है? तो जितने अंबिया सब है पसीने का खतरा। तो पसीने के कतरे हैं आदम से लेके ईसा तक, एक एक है पसीने का कतरा। कितना आला, आला अफजल, अरबा, रुतबे वाला, निहायत अजीम एक एक नबी सामने आता गया। ये पसीने के कतरे हैं जो कभी तख्त सुलेमान को उड़ा रहा है सुलेमान बन करके, ये पसीने का कतरा है जो कभी लोहे को मोम कर रहा है दाऊद बन के, ये पसीने का कतरा है कि जो कभी कश्ती चला रहा है तूफान में नूह बन के, ये पसीने का कतरा है जो कभी हुकूमत कर रहा है मिस्र के तख्त पर बैठ करके यूसुफ बन के, ये पसीने का कतरा है कि जो कभी दरिया में रास्ते बना रहा है मूसा बन करके। तो ये पसीने के कतरे हैं, कितने आला अफसर है ये, है? कौन है मुस्तफा के पसीने के कतरे? तो पसीने का कतरा गिरे किसी को अफसोस होता है तो नहीं भाई, क्यों? इससे जिंदगी को कोई खतरा नहीं, यह है सब मुस्तफा के पसीने। और अगर खून गिरने लगे तो अब अफसोस होता है, है? तो बताओ मुस्तफा कौन है? मुस्तफा का पसीना तो है आदम, आदम से लेकर ईसा तक, मुस्तफा का खून कौन है? मुस्तफा का खून कौन है? जब बात आई खून की तो सब ने यही तय किया मुस्तफा को खत्म कर दो, खून बह जाएगा बात खत्म हो जाएगी। कैसे मुस्तफा को कत्ल करना चाहा? एक शेर उठा, नाम था अबू तालिब, तुम्हारी क्या मजाल, मेरे रहते तुम कत्ल कर दो, कत्ल नहीं होने दूंगा, तवज्जो फरमाइए, कत्ल नहीं करने दूंगा, होने दो ना, काब खून बह जाएगा मुस्तफा का, मुस्तफा को बचा के रखूंगा, तवज्जो चाहता हूँ। पसीने की बात आई थी ना, पसीने की बात आई थी, नबी को घेरा जा रहा था, जब नबी को घेरा जा रहा था उसने आवाज दी परवरदिगार बचा, तो कुएं से निकाल के अल्लाह ने बादशाह बना दिया है। अब मुस्तफा को घेरा जा रहा है, उसने नहीं कहा है परवरदिगार बचा, वो दुआ के लिए हाथ उठाना चाहता था, अबू तालिब ने कहा परेशान क्यों होता है, उसे तो तब जहमत देना जब मैं ना रहूं, अरे अभी तो अबू तालिब मौजूद है,
तेरी जान बचाना मुझ पर है, मेरे ऊपर लाजिम है। तवज्जो फरमाइएगा, तारीख उठा करके देखिए, तारीख उठा करके देखिए। जब तक अबू तालिब रहे, न जिब्राइल को आना पड़ा हिफाजत के लिए, न मीकाईल को आना पड़ा। अकेले अबू तालिब ने सबको बचाया, सिर्फ बचाया नहीं, लोगों ने कहा कत्ल करेंगे। अबू तालिब ने कहा तुम कितनों को मारोगे, मोहम्मद को कत्ल करना चाह रहे हो? ले मेरा दूसरा बेटा आएगा वो भी मोहम्मद, तीसरा आएगा वो भी मोहम्मद, चौथा आएगा वो भी मोहम्मद, पांचवा आएगा वो भी मोहम्मद, छठा आएगा वो भी मोहम्मद, सातवा आएगा वो भी मोहम्मद, आठवा आएगा वो भी मोहम्मद, नौवा आएगा वो भी मोहम्मद, दसवा आएगा वो भी मोहम्मद, ग्यारहवा आएगा वो भी मोहम्मद, और पांच मोहम्मद को पर्दे गैबत में छुपा लेंगे। छुपाएंगे नहीं बल्कि वह रुका रहेगा, और जिस दिन वो आएगा तो वो तलवार चढ़ा के बताएगा कैसे कत्ल किया जाता है, कैसे दुश्मन मारे जाते हैं। सलाम भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। पसीना बह जाए कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर खून की बहने की बात है, मेरे वालिद अल्लाह फरमाया करते थे पसीना बह जाए तो लोग कहते हैं मेहनत की है, खून बहने लगे तो लोग कहते हैं जान लड़ा दी। तवज्जो फरमाई, आदम से ईसा तक सबने मेहनत की, और अबू तालिब से लेके ग्यारहवे तक सबने जान लड़ाई। मेहनत करके पेट भरा जाता है, जान लड़ा करके दीन बचाया जाता है। दीन किसे कहते हैं? तो अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाया, लेकिन वो खलीफा जमीन के लिए था, लेकिन जब बात पसीने की आई तो जमीन के खलीफा बनो, बात पसीने की आई तो तख्त हवा में उड़ा लो, बात पसीने की आई तो दरिया में कश्ती चला लो, बात पसीने की